नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो गाइस, आज हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीके से वृत्त में सूरजमुखी वाला आलेखन बनाना सिखाएंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ आप कभी भी नहीं भूलेंगे वृत्त में सूरजमुखी वाला आलेखन बनाना। एक बड़ा सा पहले आप वृत्त बना लीजिएगा, फिर यहाँ पर आपको एक ओवल शेप बनाना होगा। इस तरह एक ओवल शेप बना दीजिए, बहुत ही आसान होने वाला है। इधर आप ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी आप ऐसे लाइनें बढ़ाते जाइएगा। लाइन बढ़ाने के बाद दोस्तों, इधर से आप ऐसे एक लिप्स बनाएंगे, इस साइड भी आप ऐसे बनाते रहिएगा, और हो सके तो आप हमारे साथ ही बनाते रहिएगा दोस्तों। एक बीच में आपको इधर से भी ऐसे लिप्स बनाना होगा, इधर ऐसे बढ़ाएंगे, इधर भी आप ऐसे बना दीजिएगा। अब आपको इधर आपको गैप दिख रहा होगा, इस गैप का भी यूज करिए लिप्स बना के। इधर से ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ से बनाइए, एक आप इधर भी ऐसे बना दीजिएगा। सेम प्रोसेस हम इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको इधर भी ऐसे गैप दिख रहा होगा, इस गैप में भी आप ऐसे बहुत ही खूबसूरत सी पंखुड़ियाँ बनाते जाइएगा। ये हो गया हमारा, यहाँ पर भी आप ऐसे रिपीट करते जाएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ से देखिएगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे के साइड में। ये हो गया आपका इधर ऐसे लाइन, और इस लाइन को हमें डबल कर देना होगा। आप इसको पेंसिल की हेल्प से बनाइएगा, हम मार्कर से बना रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे। इधर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हम इधर से एक लिप्स बना देंगे, यहाँ पे हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए मिला दीजिए, छोटी छोटी लाइनें बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद आपको इधर ही ये वाला डिज़ाइन बना देना, इसको घुमाते हुए ऐसे कर देंगे। अब दोस्तों, ऊपर के साइड में हमें कली बनाना होगा। कलियाँ बनाने के लिए इधर से नीचे की तरफ कर दीजिए, ये वाला पोर्शन हम कर देंगे डबल। डबल हो जाएगा, हल्का सा बाहर करिएगा, इधर से भी बाहर ले जाएंगे ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको यहीं से बनाना है पंखुड़ी, एक इधर बना देंगे, एक यहाँ पर बनाइए, एक ये हो जाएगा। इधर छोटे छोटे आप ऐसे पंखुड़ियाँ बनाते जाइएगा। इस साइड देखिएगा, अंदर के साइड में से घुमा दीजिए, ये हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, इधर से ही आपको एक लिप्स बना देना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर ऐसे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा एक प्यारी सी पत्ती। पत्ती बनाने के बाद दोस्तों, आपको इधर भी एक पंखुड़ी बनाना होगा इस साइड। इसको हम बनाएंगे, हल्का सा ऐसे ऊपर करेंगे, ये वाला पोर्शन आप डबल कर दीजिए, जैसे आपने इधर किया था इसी तरह करेंगे, लेकिन थोड़ा सा छोटा बनाइएगा। इधर ऐसे बनाएंगे, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। इधर से एक छोटी छोटी प्यारी प्यारी आप फ्लावर की पत्तियाँ बना दीजिएगा, इधर भी छोटे छोटे बना देंगे। एक लाइन आप इधर ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से जैसे आपने इधर बनाया है इसी तरह सेम हम इधर भी रिपीट कर देंगे, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर से आप घुमा दीजिए, ये अंदर कर दीजिएगा घुमा के। घुमाने के बाद दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्पेस है, इधर आप चाहें तो कुछ बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी बना देते हैं। आपको इधर एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद एक लाइन इधर बढ़ा दीजिए और यहाँ से ऐसे एक पत्ती बना दीजिएगा बड़ी सी, इधर ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये तो यहाँ से ऐसे चला गया है, इधर भी आप घुमा दीजिए, ये घुमाइए, यहाँ से ऐसे डबल कर दीजिए, इस साइड भी आप ऐसे घुमा दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसानी से वृत्त में सूरजमुखी वाला आलेखन बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं। हम इसको ब्रश पेन की हेल्प से करेंगे, तो आप इसको वाटर कलर की हेल्प से कलर करिएगा, क्योंकि ब्रश पेन से करेंगे तो आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं दोस्तों। तो आप ब्रश पेन का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, वाटर कलर का यूज करिएगा। तो चलिए कलर करना शुरू करते हैं।